ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। श्री अगस्तिन इंटरनेशनल हॉस्पिटल चुनाव में समाज समर्पित टीम ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। चुनाव कार्यालय में भारी संख्या में पहुंचे ट्रस्टियों और समाज के प्रमुख लोगों के बीच सभी का परिचय कराया गया। इस मौके पर श्यामलाल गर्ग और विजेंद्र गुप्ता ने सोसाइटी के प्रधान घनश्याम गुप्ता की धांधलियों को भी सबूत के साथ समाज के सामने रखा। साथ ही ऐलान किया कि ये परिवर्तन लहर है जिसके आगे बढ़ने के लिए सभी को सक्रिय रहना होगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जय जय अग्रवाल समाज, जय जय अग्रसेन महाराज, जय जय अग्रवाल समाज। रोहिणी स्थित श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। इस बार परिवर्तन के नारे के साथ चुनाव में उतरी समाज समर्पित टीम ने कार्यालय के उद्घाटन के बाद अब अपने पैनल के प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान कर दिया है। इस टीम के नेता श्यामलाल गर्ग व समाज और संस्था के प्रमुख लोगों की मौजूदगी में प्रधान पद के प्रत्याशी विजेंद्र जिंदल ने मौके पर मौजूद अपने पैनल के प्रत्याशियों का परिचय कराया। ट्रस्टियों से खचाखच भरे समाज समर्पित टीम के चुनाव कार्यालय में समाज के प्रमुख लोगों में प्रधान घनश्याम गुप्ता पर सबूत के साथ अनियमितताओं का भी आरोप लगाया। हमने प्रमुख रूप से तीन चार चीजें देखी है कि कैंडिडेट का ट्रैक रिकॉर्ड ईमानदारी का होना चाहिए संस्थाओं में काम करने के लिए। जिस तरह से यहाँ प्रमुख लोगों की चोरियाँ पकड़ी गई तो उसको देख कर ये बहुत जरूरी था कि एकदम ईमानदारी से काम करने वाले लोग होने चाहिए, मेहनती होने चाहिए, हॉस्पिटल में समय देने वाले होने चाहिए, सेवा भाव होने चाहिए। ये कुछ मिनिमम क्राइटेरिया था जिनको देखकर हमने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है। ये समाज के सामने मुद्दे इस तरह का प्रचार वो कर रहे तो समाज के सामने आएगा, जवाब भी देना पड़ेगा। हमने इतनी बड़ी बात जो कही है, अगर ये बात गलत हो तो हम सारी चीजें छोड़ने को तैयार। 500 बेड का हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। वहाँ पर जो MRI अल्ट्रासाउंड इस तरह की जो मशीनें कॉन्ट्रैक्ट पे अभी लगाई गई हैं, हमें पता चला हॉस्पिटल के कॉन्ट्रैक्ट 75% और 25% का किया, 75% कॉन्ट्रैक्टर और 25% वो। समाज समर्पित टीम के नेता ने समाज के लोगों से कहा कि वो कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो धांधलियां सोसाइटी में हुई हैं, उसे समाज के सामने लाना उनकी जिम्मेदारी है। जो कुछ प्रत्यक्ष में देखा और उसके जीते जागते प्रूफ है इनके पास, अगर वो समाज को नहीं बताएंगे तो ये भी मैं समझता हूँ हम लोग पाप करेंगे। उस पाप के भागीदार हम क्यों बने? हम तो सच्चाई बता रहे, आरोप नहीं लगा रहे किसी को। और हॉस्पिटल में क्या कुछ हो रहा है उस सच्चाई को लोगों के सामने लाना, यही इस टीम का एक कर्तव्य है। उधर हॉस्पिटल टीम के नेता और मौजूदा प्रधान घनश्याम गुप्ता द्वारा कथित रूप से कही गई इस बात का जवाब भी दिया, जिसमें कहा गया कि विजेंद्र जिंदल और उनके पैनल के लोगों को हॉस्पिटल की कमान नहीं देनी चाहिए। विजेंद्र जिंदल ने उन्हें भी आईना दिखाया। इस टीम के समर्थन में हर पार्टी से जुड़े लोग हैं जो हॉस्पिटल को आगे बढ़ाने में अपनी पहुंच और प्रभाव का उपयोग भी करेंगे। हमारा जो सपना संस्था का है चैरिटी करने का, चाहे वो निम्न वर्ग के कमजोर आदमी को मदद पहुंचाना या कोई ट्रस्टी भाई को डिस्काउंट करना, या जो ट्रस्टी भाई रिकमेंड कर रहे हैं जिनका एक कार्ड हम देंगे फ्री, जो बिल्कुल दवाई समेत फ्री रहेगा उसका इलाज, उसमें चैरिटी करने में वो बाधा का काम करेगा। क्यों? 75% कॉन्ट्रैक्टर ले जाएगा और संस्था पे सारा चीज की व्यवस्था है, कोई हमारे पास किसी किस्म की कमी नहीं है। अगर कमी पड़ती भी तो हम और डोनेशन लेके आएंगे और मशीनें जो है हॉस्पिटल की जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगवाई हैं वो एक साल के अंदर अंदर संस्था की रहेंगी, हॉस्पिटल की रहेंगी। दूसरी बात, ट्रस्टी भाइयों के मान सम्मान की बात है। ट्रस्टी भाइयों ने जो इतनी मेहनत से अपने उसमें आहुति डाली, ट्रस्टी के रूप में डोनेशन के रूप में जो पैसा दिया, उस पैसे से अस्पताल बना है, उसमें जिसको भी वो रिकमेंड करेंगे हम उसका फ्री इलाज करवाएंगे कार्ड। इस टीम के प्रत्याशियों का चयन करते समय इस बात का ख्याल रखा गया है कि प्रत्याशियों के पास समय हो, सेवा भावना, समझ और ईमानदारी हो।
टीम के प्रमुख पदाधिकारियों ने अपनी बात दिल्ली दर्पण टीवी के माध्यम से समाज के सामने रखी। अभी हमारा मुख्य रूप से एजेंडा यही है कि अगले 3 सालों में हमारी टीम विजयी होकर के आए और हॉस्पिटल को हम नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। 500 से 500 बेड पूरी क्षमता से हॉस्पिटल चले, ट्रस्टी भाइयों का पूरा मान सम्मान हो, अधिक से अधिक डिस्काउंट हम ट्रस्टी भाइयों को देंगे और मरीजों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने का प्रयास करेंगे। योजनाएं भले की है, योजनाएं इस हॉस्पिटल के नाम को सार्थक करने की है, जो इंटरनेशनल नाम इसको दिया गया है इसको सार्थक बनाने की है। योजनाएं विकास की हैं, योजनाएं एजेंडे के साथ हमने क्या करना है, कैसे करना है, किस रूप में करना है, क्या बदलाव चाहिए, क्यों आज ये हॉस्पिटल इस रूप के अंदर है कि लोग यहाँ पे जाना पसंद नहीं करते, उस परिवर्तन की दृष्टि से हम लोग इस समाज समर्पित टीम को लेके आएंगे। सर्वप्रथम हमारी प्रायोरिटीज है एक अच्छी टीम की नियुक्ति के बाद अच्छे डॉक्टरों का पैनल, अच्छी व्यवस्था, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, सारी चीज़ों की ऑडिटिंग, तो जिस भी चीज़ की आवश्यकता एक हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चलाने के लिए है उस चीज़ की उपलब्धता को कराना सबसे महत्वपूर्ण बात। और उसके अलावा जो ट्रस्टियों का मान सम्मान और विश्वास ये हॉस्पिटल खोता जा रहा है। घनश्याम गुप्ता ने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया और समाज समर्पित टीम क्या क्या और कैसे कैसे करना चाहती है, इन दोनों सवालों के साथ ये टीम समाज से समर्थन मांग रही है। ये समर्थन सामाजिक रिश्तों के लिहाज और लालच से परे समाज और संस्था के सम्मान में होना चाहिए। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन विजय के साथ ऋषि शर्मा और राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dellidarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर